यमुना जी निकला है। यमुना जी भगवान सूर्य की बेटी है, यमराज और शनि महाराज जी की बहन। तो भगवान सूर्य ने यमुना जी को सूर्य का एक किरण दिया, वो किरण यहाँ गिरा, इसलिए यहाँ से गर्म पानी निकलता है और ये पूरा पहाड़ गर्म है। यमराज जी शनि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बोला यात्रायानी कलो धर्म विहीनाया पूजा तुरंत मानव। जो प्राणी विशेषतः कलयुग में यहाँ आकर पूजा पाठ करेगा, वो प्राणी की सात पीढ़ियाँ यमलोक में वास नहीं करेंगी, ऐसा आशीर्वाद यमराज जी ने दिया। शनि महाराज जी ने बोला जो विशेषतः श्रद्धा भाव से आएगा, तेरे यहाँ भी दान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, वो प्राणी पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, मैं काम नहीं बिगाड़ूंगा बल्कि उसके बिगड़े काम बना दूंगा, ऐसा शनि महाराज जी ने बोला। यमुना जी के तीन नाम है मुख्यतः, यमुना, जमुना, कालिंदी। यमुना इसलिए यमराज की बहन है, जमुना इसलिए जयमुनि ऋषि ने तपस्या करके उनको यहाँ लाया, इसलिए माँ का नाम जमुना। तीसरा नाम है कालिंदी, वो इसलिए यमुना जी के दो धाराएं हैं, गर्म पानी, ठंडा पानी। गर्म पानी यहाँ से निकलता है, ठंडा पानी निकलता है कालिंद पर्वत से, इसलिए माँ का नाम है कालिंदी। ऐसे रखना इसमें, लेफ्ट हैंड में जल रखो। ओम हरि ओम माम ओम पवित्रेस्तु वैष्णवो सवितुर्वः प्रसवः पुनम चित्रेण पुत्रेण सूरसशिभिः तथति पवित्रपदे पवित्रपूजिताम्मः पुनेतचम्यं पितृवासमन्त्रवैष्णवीनाक्षं सवाय बृहन्तरिकाक्षं पुनन्तुः। ओम विष्णुर्विष्णुविष्णुनम परमात्मने शङ्करात्मस्यः सद्गतभ्यां श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुनाज्ञामस्यः भारतवर्षे गंगा यमे उत्तराखंड राज्य ग्रामे भगवत धर्मक्षत्रे भगवती अमुक नाम ले, अपना नाम लेंगे, सपत्नी को हम सबालकम सबालिकाया सब माता पिता, अपने बच्चों का, परिवार का, माता पिता का, जो भी घर परिवार में सबका नाम बन मिलेंगे। अखिल कुटुंब परिवार से संवर्ति यमुना के धर्म क्षेत्र भगवती माँ यमुना दिव्या चरणा अरविंद यो बोलो ममा यमुना दिव्या शीला पूजनम अहम करिष्ये। और अब चल लेंगे आप हाथ में से, ओम हरि ओम गंगेश यमुने चेवे गोदावरी सरस्वती नर्मदेश कावेरी जलेश्वर सन्निधं कुरु भगवति मा यमुनादिभ्यो नमः जलाक्षिणे भगवति मा यमुनादिभ्यः हरि नमस्तु। ओम हरि ओम मम ओम ओम तम गंधर्वा अगन स्वामी तम गंधर्वा अगन स्वामी सोमो राजभद्रम मंत्रार्ता सपला सन्तो पूर्णाशन्त मनोवर्गा सत्पुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम जी का ध्यान करेंगे। हे माँ हमारी मनोकामना पूरी करना, घर में राशि पहुँचाना, परिवार में सुख शांति रखना, हमारे घर कुटुंब में अपनी कुर्बानी से रखना, ऐसा आशीर्वाद मांगेंगे। ओम नील पुष्पांजलि में आगतम ग्रहणम परमेश्वरी बालिका कालनाशाय दुर्गेशाय बालिकां भवानि भवनाशाय दे दीजिए क्योंकि ये पैर में पड़ जाएगा नहीं। अब देखिए महाराज जी, श्रद्धा का होता है, जो आपकी श्रद्धा है यहाँ।
पूजा सम्पन्न करार पर आम्रा जमुना देवी मूर्ति दर्शन करी एवं चाल मुसलिनेर कपड़े बेधे सूर्य कुंडे दिए आम्रा सेटाके प्रसादे परिणत करी। यमुनात्री चार धामे यमुनात्री जल एखान थेके नेवा होच्छे। आमादेर सुभाषिसदा यमुनात्री जल निच्छे। जाओ गिए निये आसो सुभाषिसदा, सब जल भरे दियो। चारटे बोतल जाच्छे, बोतल बोतल ঢাকনা সমন্দার কাছে। আরে সাইড মে খড়ো রহো, ক্যা হ্যায় সালে চোরি করনে কা ইরাদা হ্যায়। নুরা, আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম সে পরিকল্পনা কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হই, কারণ বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা জেনেছিলাম যে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই, পর্যাপ্ত বাস, কিন্তু গিয়ে দেখলাম পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। সকালের দিকে দু তিনটে বাস থাকে, তাও পূর্বে রিজার্ভ করা এবং অনলাইনে বুকিং করা থাকে, তাই আমাদের যাত্রাপথের কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হই। আমরা প্রথমে জানকীচট্টি থেকে রওনা হই বারকোটের দিকে, যেখানে আমাদের শেয়ার ট্যাক্সিতে মাথাপিছু 100 টাকা করে খরচ পড়ে। এরপর আমরা বারকোট থেকে সেই শেয়ার ট্যাক্সিকে রাজি করাই এবং বারকোট থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত যাই, যেখানে আমাদের 210 টাকা আরও মাথাপিছু এক্সট্রা খরচা করতে হয়। এরপর আমরা ঠিক করি যে আমরা উত্তরকাশীতে থাকবো না, সোজা গঙ্গোত্রী চলে যাব, তাই গঙ্গোত্রী যাবার জন্য অপর শেয়ার ট্যাক্সির সাহায্য নিই। বন্ধুরা, ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন, লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যে যে অসুবিধার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, পরবর্তী সময়ে যাতে আপনারা না পড়েন তার জন্য অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখবেন। আমরা সরকারি বাসের চিন্তা নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। যাতে আপনারা সে অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তাই আপনাদের জানাবো যে আপনারা যদি এই যাত্রা সম্পূর্ণ করতে চান তাহলে অনলাইনে বাসের বুকিং অবশ্যই করে নেবেন এবং সম্পূর্ণ যাত্রা করতে অসুবিধা হবে না। আমরা এরপরে শেয়ার ট্যাক্সি নিই এবং উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীতে যাত্রা করি। গঙ্গোত্রী পৌঁছতে আমাদের অনেক রাত হয়ে যায়, আমরা 1:30 নাগাদ গঙ্গোত্রী পৌঁছই এবং গঙ্গোত্রী হোটেলে আশ্রয় নিই।